नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। शाहजहाँपुर में महिलाओं के चलने वाले समूह से एक महिला को निकालना, समूह की दूसरी महिला को इतना नागवार गुजरा कि उसके भाई ने समूह चलाने वाली महिला पर फायर कर दिया है। आरोप है कि समूह से निकाली गई महिला के भाई ने पड़ोस की रहने वाली महिला के घर फायरिंग कर दी। फायरिंग के वक्त घर में बिजली न आने की वजह से महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर छत के छज्जे पर बैठी थी, जो कि बाल बाल बच गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने फायर करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहाँपुर के थाना रोजा क्षेत्र के हथौड़ा बुजुर्ग निवासी शवाना ने मीडिया को बताया कि वह महिलाओं का समूह चलाती हैं, जिसमें पड़ोस की रहने वाले नूरवानों को उसने समूह से निकाल दिया था। आरोप है कि इस बात से नाराज नूरवानों के भाई सलीम ने कल शाम उसके घर पर फायरिंग कर दी है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी सलीम को आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में जेल भेज दिया गया। मेरा नाम शवाना है और हम हथौड़ा के रहने वाले हैं। मेरे साथ ये घटना हुई, समूह में नूरवानों जुड़ी थी, सलीम की बहन, तो वो आए दिन झगड़ा करती थी, आए दिन विवाद करती थी। हमने उन्हें समूह से निकाल दिया, तभी सलीम ने मेरे ऊपर फायर चलाया। किस समय घटना है? 4 बजे शाम को। हाँ, तहरीर दी है। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, वो सलीम पकड़ गया है, बाकी लोग फरार हैं अभी, दो लोग। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करी जाए, अगर ना करी गई हमें, मुझे खतरा है, मेरे पति बाहर रहते हैं। नाम बली मोहम्मद है, ग्राम हथौड़े के रहने वाले हैं। मेरी पत्नी के ऊपर फायर किया गया, जो लाइट जाने के बाद वो छत पे बैठी थी, यही घटना हुई। और फायर करने वाला सलीम मोहम्मद सलीम था, और मैं ये चाहता हूँ पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करा दिया, और पुलिस लेके गई है, अब पता नहीं क्या घटना की है। मैं FIR चाहता हूँ, जिससे मेरी पत्नी का संतुष्ट हो। घटना रोजा थाने की, कंप्लेंट पुलिस को की है, और मौके पर एक गिरफ्तार हो गया है, दो लोग अभी फरार हैं। पुलिस क्या FIR नहीं दर्ज कर रही? अब पुलिस FIR कर रही है या नहीं, मुझे हम पुलिस को पकड़ा दिया, थाने से हम लोग गए, तो थाने से कहा आप लोग घर पे जाइए, मैं इसका कार्रवाई करूँगा। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे लिए कार्रवाई की जाए, कि ऐसे फायर किया है, ऐसे जान से मार देने की साजिश थी, और वो मौके पे बच गए, जैसे तैसे फायर किया तो लपक गई, लपकने से फायर साइड से निकल गया और मेरी पत्नी बच गई है। मैं घर पे नहीं था, मेरे घर पे कोई था नहीं, वो आके घर पे फायर कर गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।